सुबह की भागदौड़ हो या हो बच्चों का लंच बॉक्स, इस हेल्दी और टेस्टी नाश्ते को आप झटपट से बना सकते हैं। बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यूनिक सा नाश्ता है जिसे बच्चे हो या बड़े उंगलियां चाट चाट कर खाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले एक बोल में ले लेंगे एक कटोरी सूजी, मोटी वाली ले सकते हैं, बारीक वाली ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मीडियम वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। चौथाई छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच दही, फ्रेश दही लिया है मैंने, ना तो है उत्तपम ना ही इडली, बिल्कुल नया सॉफ्ट स्पॉन्जी इजी नाश्ता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मिक्स करते जाएंगे और इसका गाढ़ा सा घोल रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की होनी चाहिए। अब हम बैटर को ढककर छोड़ देंगे 10 मिनट तक के लिए रेस्ट पर, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं तो देखिए सूजी काफी फूल गई है और बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है बैटर हमारा। कंसिस्टेंसी परफेक्ट है हमारे बैटर की। इसी तरह का गाढ़ा घोल आपको भी रेडी करना है। अब इसमें डाल देंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हल्के हाथों से इसमें मिक्स कर लेंगे, इससे नाश्ता काफी फूला फूला स्पॉन्जी बनता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनो भी ऐड कर सकते हैं या फिर दोनों ही चीजों को स्किप करके भी बना सकते हैं। अब बैटर को साइड में रखते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे एक पैन को मैंने अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें 1/4 छोटा चम्मच से भी कम तेल ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे नाश्ता बनने वाला है बिल्कुल कम तेल में, बहुत ही हेल्दी। अब हम तेल में ऐड कर देंगे चुटकी भर सरसों के दाने यानी कि राई और इन्हें चटकने देंगे। जब राई अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए प्याज। अब सारा प्रोसेस हम लो फ्लेम पे करेंगे, तो फ्लेम को बिल्कुल लो पे करते हुए प्याज को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। कुछ सेकंड्स में ही प्याज हल्के से नरम पड़ जाएंगे, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच ही बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी हल्की आंच पे इसी तरह से हमें चलाते हुए भून लेना है नरम पड़ने तक। 10 से 15 सेकेंड्स टमाटर को भी हल्का सा चलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। पानी को सभी चीजों के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे कि 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1/4 छोटा चम्मच ही जीरा पाउडर। मसालों को भी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। नमक को मसालों के हिसाब से ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें बहुत ही चटपटा टैंगी सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप। नाश्ता काफी ज्यादा चटपटा बनता है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। टमाटो केचप अगर नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आखिर में ऐड करेंगे हरा धनिया और इसे भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल चटपटा सा बहुत ही टेस्टी मसाला तैयार हो चुका है हमारा। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो मसाला है ना पैन के अंदर ही, इसे 4 भागों में हम इस तरह से बांट लेंगे, डिवाइड कर देंगे स्पैचुला की ही हेल्प से, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, पूरे प्रोसेस के दौरान आपका फ्लेम बिल्कुल लो पे होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है आपको। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो सूजी का बैटर हमने रेडी करके रखा था ना, एक बार अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी जालियां बन गई है बैटर में, काफी फूल गया है बैटर हमारा। अब उन 4 भागों में डिवाइड किए हुए मसाले के ऊपर हमें इस तरह से बैटर को डालना है 2-2 बड़े चम्मच। नाश्ता जितना खाने में टेस्टी है उतना बनाने में मजेदार है। इस नए नाश्ते को बनाने का एक्सपीरियंस भी मजेदार है। तो ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं जिससे नाश्ता देखने में भी अच्छा लगे, और साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया से भी गार्निश कर देंगे। हरे धनिया और चिली फ्लेक्स से गार्निश करने के बाद हम नाश्ते को ढककर पकाएंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट में ही हमारा नाश्ता अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत कम टाइम लगता है इसे बनाने में। हमारा नाश्ता बन चुका है, आप चाहे तो ऐसे ही इसे निकाल सकते हैं। मैं आपको पलट कर दिखा देती हूँ कि नीचे से कैसे बने हैं, और बिल्कुल कम टाइम में आप एक साथ 4 तैयार कर सकते हैं। देखिए कितने चटपटे लग रहे हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए इन्हें पैन में पलटा है, बट आप ऐसे ही इन्हें निकाल कर सर्व कर सकते हैं। इन्हें खाने के लिए आपको किसी भी तरह की चटनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चे अपना लंच बॉक्स और हस्बैंड अपना टिफिन खत्म करके ही आएंगे। रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलूंगी फ्रेंड्स ऐसे ही नई क्विक एंड इजी टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।